हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, कैसे हम जो यूजर इनपुट देगा उसे वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम टू नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें एक पैकेज इम्पोर्ट करना होता है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट SCANNER। स्कैनर एक हमारी क्लास है जो कि जावा यूटिल पैकेज में मिलती है, इसे इंपोर्ट करना होता है। चाहे तो हम स्कैनर की जगह स्टार भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा सभी पैकेज जितनी यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सभी इंपोर्ट हो जाए। तो हम स्टार लगाएंगे, फिर हमें क्लास बनानी है, तो क्लास आएंगे, क्लास बनाने के लिए क्लास के। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर मेन मेथड लिखना है, पब्लिक वॉइड और मेन, मेन के अंदर स्ट्रिंग का एरे। ठीक है, फिर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इंट ए कॉमा वी कॉमा सी, ए और वी हैं जिनमें हम वैल्यू स्टोर कराएंगे यूजर से इनपुट लेकर, और सी हमारा जो है जिसमें हम वैल्यू देंगे, वैल्यू का सम निकालेंगे, सम करेंगे ए और वी का, उसमें स्टोर कराएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमें। सबसे पहले SCANNER स्कैनर ओवी इक्वल टू न्यू SCANNER स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। जो हमने ब्रैकेट में सिस्टम और डॉट इन दिया है, इसका मतलब है जो भी हम इनपुट लेने वाले हैं वो हमारी ब्लैक स्क्रीन पर लेंगे, क्योंकि हम CMD में लेते हैं इसलिए हमें सिस्टम डॉट इन लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर लिखेंगे ए इक्वल टू ओ वी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, वी इक्वल टू ओ वी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, फिर लिखेंगे सी इक्वल्स टू ए प्लस वी। ठीक है, फिर लिखेंगे एस वाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में लिखेंगे सम ऑफ ए प्लस वी इज इक्वल्स टू प्लस सी। ठीक है, और यहाँ टर्मिनेटर लगा देंगे। ठीक है, अब इसे हम कंट्रोल एस दबाएंगे, टर्मिनल पर जाएंगे, न्यू टर्मिनल पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम जावा सी के डॉट जावा और इंटर मारेंगे। हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है, फिर लिखेंगे जावा के और इंटर मारेंगे। अब ये हमसे यूजर से इनपुट मांग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देंगे 5 एंटर, 7 एंटर, और देखिए सम ऑफ ए प्लस वी इज 12। ठीक है, आज की वीडियो हमने यूजर से इनपुट लेना सीखा, कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम यूजर से जो वैल्यू लेंगे उससे वेरिएबल में स्टोर करेंगे ये करना सीखा, और कैसे हम उस वैल्यू को सम कराकर और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।